हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आपके ईयरफोन में यहाँ पे एक साइड कम आवाज़ आता है और यहाँ पे एक साइड ज़्यादा आवाज़ आता है, या तो फिर दोस्तों आपके ईयरफोन पर जो है वॉल्यूम कम आता है, यानी कि धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देता है। बट दोस्तों पहले ज़्यादा आवाज़ सुनाई देता था, बट अभी प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि आप जब ईयरफोन यूज़ करते हैं तो आपको ईयरफोन में आवाज़ बहुत कम आता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको जो है सेटिंग को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में। बेसिकली दोस्तों एक सेटिंग होता है जिसको हो सकता है आपने गलती से कर दिया हो और आपको पता ना चला हो, तो इसके वजह से ही जो आपके ईयरफोन में जो आवाज़ है ना वो कम सुनाई देता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर जो है आना है, या तो फिर आप लोग ऊपर में सर्च बार में क्लिक करिए और यहाँ पर दोस्तों आपको मोनो लिखना है। मोनो लिखने के बाद मोनो ऑडियो आएगा, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए। मोनो ऑडियो लिखने के बाद यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देता है, तो फिर दोस्तों आपको हो सकता है कि ये जो ऑडियो बैलेंस दिखाई दे रहे हैं ना वो इस तरीके से इस साइड हो, यानी कि आपके फ़ोन में ऑडियो बैलेंस जो है इस तरीके से बीच में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये राइट साइड एकदम इस तरीके से रहता है या तो फिर लेफ्ट साइड में इस तरीके से रहता है, तो उस वजह से दोस्तों आपको यहाँ पर जब आप लोग अपने मोबाइल में ईयरफोन यूज़ करते हैं कनेक्ट करके, तो आवाज़ में दोस्तों यहाँ पर कम आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ऑडियो बैलेंस है ना उसको आपको बीच में रखना है एकदम। तो जब आप लोग यहाँ पर बीच में रखेंगे एकदम ऑडियो बैलेंस को, तो आपको जो है आवाज़ यहाँ पर जो है दोनों साइड जो है बराबर सुनाई देगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपके फ़ोन में आवाज़ जो है बराबर आएगा, ठीक है। आपको इसको जो है इस साइड नहीं रखना है और ना ही इस साइड रखना है, एकदम बीचों बीच में आपको रखना है, तो फिर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।